गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं भुज, और वहां से हम जाएंगे वाइट रन कच्छ के। सो गाइस, अभी मैं कार से ट्रैवल कर रहा हूँ और सच में बहुत ही लंबा रूट है। मैं आपको थोड़ा बहुत रोड साइड व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए हैं शुगर एंड स्पाइस होटल पे खाना खाने, और तकरीबन 12 बज चुके हैं। हम रोड से आए हैं और काफी एंजॉय किया हमने जर्नी को। देख सकते हैं मेरे पीछे सारे लोग आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, हम काफ़ी फन करने वाले हैं। सो आइए दोस्तों, मैं आगे चल के आपको यही सारी चीज़ें वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद मैं मेरे रूम पर पहुँच गया हूँ, और ये फुल एयर कंडीशनर रूम है। और इसे रूम तो नहीं कहेंगे, इसको नाम कहते हैं भूंगा। इस रूम में एसी भी आ जाता है और सारी फैसिलिटीज़ आती है। बस ये इसका जो इंटीरियर है वो एकदम नॉर्मल घर के जैसा है, पर अगर आप बाहर से देखोगे तो ये मिट्टी से बना होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री दी है। यहाँ पे हमें वाटर बॉटल और काफ़ी सारी चीज़ें दे दी है। ये हमारा सारा सामान पड़ा है। और ये रूम आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रूम है। यहाँ पर हमें टॉवल भी दे देते हैं, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी है हमारे लिए। सो गाइस, एट लास्ट मैं जा रहा हूँ रण उत्सव में, रण में। और यहाँ पे मेरी आप पीछे देख सकते हैं बस आ गई है, और मैं आपसे अब नेक्स्ट मिलूँगा रण में। और वहाँ पे आप देखना कि वो कितना अच्छा है, और आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो गाइस, फाइनली आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ वाइट रन में। सो आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल एक सफ़ेद चद्दर बिछा दी हो, और ये देखने में तो काफ़ी अच्छा है। अभी सनसेट का नज़ारा है, शाम को मैं आया हूँ यहाँ पे, और आपकी जहाँ तक भी नज़र जाएगी पूरा सफ़ेद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा पीछे वाइट रन आ चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एकदम रात के होते होते माहौल बहुत ही ठंडा हो जाएगा, और मैं एक रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो जूते पहन के आइएगा, वरना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और गाइज, बहुत मज़े आती है, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत राइड्स करनी थी। सो गाइज, अभी मैं पूरा वाइट रन घूम के आया, और अभी मैं अपने रिसोर्ट पे आ चुका हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा टेंट सिटी है, और आसपास बहुत सारे टेंट है। और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है मेरे रिसोर्ट की तरफ से, जहाँ पे बहुत सारे डांस होने वाला है, म्यूज़िक होने वाला है। और इसका भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, और यहाँ पर म्यूज़िक भी बज रहा है, पर अभी कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं वो म्यूज़िक नहीं दिखा रहा गाइस। सो इसमें भी मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे जाए। मेरे फ्रेंड के घर पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे जो भूंगे हैं, ये पूरे मिट्टी से बने हैं। अगर आप ये सरफेस देखें तो ये पूरी मिट्टी से बनी है, और काफ़ी अच्छा ये डेकोरेशन करते हैं, सारा हैंडक्राफ्ट है। आप जैसा कि सामने देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है ये सारे घर हैं। इनके दरवाजे भी एकदम यूनिक होते हैं और एकदम अच्छे होते हैं।
आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर ग्रास लगाई है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर कैसा घर बनाया है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो बेड है वो भी मिट्टी का बना हुआ है, सिवाय इसके ऊपर सॉफ्ट कुशन रखे हैं। इसके ऊपर भी वुड के अंदर भी छोटे छोटे होल्स हैं ताकि सर्कुलेशन बना रहे, और ये पूरा मिट्टी से बना है। और इसमें सारी फैसिलिटीज़ भी आ जाती है, बाथरूम आ जाता है, बेड आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। सो गाइज, अभी मैं आया हुआ हूँ काला डूंगर। यहाँ पे एक फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है। यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करने वाला हूँ मैं, बहुत ही मजा आ रही है। बस धूप बहुत सारी है। सो गाइस, अभी हमने स्टे किया है भुज में, और कल हम जाने वाले हैं मांडवी और मांडवी, और वहाँ पे जाके हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी सारी घूमने की जगह है। और यहाँ पे पीछे एक सेंटर है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी आइसक्रीम शेक्स, थिक शेक्स मिलता है। सो गाइस, अभी मैं मांडवी में आ चुका हूँ, और ये मांडवी में राजानू महल है, और इसके मैं सबसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। गाइज, अगर आप मांडवी आते हो तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। सो अभी मैं आया हूँ इंडिया हाउस में, और ये पूरा हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की याद में बनाया गया था। ये हम इन्होंने भी हमारी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारी फ्रीडम में हेल्प की थी, और ये उनकी पूरी याद में बनाया गया है। उनकी तस्वीरें हैं और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। बीच पे, और ये बहुत ही फेमस बीच है। आप देख सकते हैं पीछे के बहुत सारी राइड्स भी है। बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि बहुत पब्लिक है यहाँ पे, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारी राइड्स है, काफी सारे कैमल्स है, हॉर्स राइडिंग है, और काफी सारी छोटी छोटी शॉप है जहाँ पे आप खरीदी कर सकते हैं, कोकोनट जूस पी सकते हैं। अभी मैं आया हूँ 72 जिनालय में, ये जैन टेम्पल है, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पे फूड मिलता है, यहाँ पे रूम है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, और ये भुज टू मांडवी रास्ते में ही आता है। सो अभी हम गेस्ट हाउस जा रहे थे मांडवी में, और बीच में ही आया, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे। सो गाइज, ये है 72 जिनालय, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पे सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। सो मैं आपको उस प्रोडक्ट से गो थ्रू करवाऊंगा वो कैसी प्रोडक्ट्स है, और आप यहाँ पे आके वो सारी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं।